दोस्तों मैं हूं आपका जोश जीशान अनाड़ी। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं, आपको एक सिखाते हैं, मतलब कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बता दिया था। राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आपको मैंने बता दिया, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था कि किस तरह नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखा तो उस वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ये तीसरा वीडियो जो मैं आपको लिए बना रहा हूँ कि अगर आपके राशन कार्ड में नाम गलत है या सदस्य नहीं है, मतलब फैमिली में 5 सदस्य है तो 3 सदस्य का नाम है, 2 सदस्य का नाम नहीं, तो सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। अगर नाम है, नाम गलत है तो उसको किस तरह करेक्शन करा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। यहाँ मैं आपके काम के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मेन मुद्दे पर आते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं क्या करना होता है, ठीक है। तो हम आपको ले आते हैं बिहार बोर्ड के, बिहार के जो जन वितरण अन्न की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हम लेकर चले आए हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना कितनी सिंपली से मैं आपको बता दूँ कि ये जो बनेगा, ये जो सुधार होगा या नाम जुटेगा ये ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी तक इसमें बिहार सरकार ने ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए आप बिहार में ऑफलाइन अभी ब्लॉक के माध्यम से बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पे जमा करना हो, कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। और मैं दोस्तों एक बात बता दूं, कुछ ऐसे चुतियाफा इंसान जो कि गाली दे देते हैं, कमेंट करते हैं, इसलिए कमेंट करते हैं कि मैंने उसको ऑफलाइन के बारे में जानकारी दिया, ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं दिया। दोस्तों अगर ऑनलाइन के बारे में, अगर ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो उसके बारे में जानकारी जरूर देंगे, ऑफलाइन हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ऑफलाइन बना लो, ऑफलाइन कर लो, पता नहीं अगर 1 साल के बाद अगर आपका ऑनलाइन स्टार्ट होता है बिहार में तो आप सोच लीजिए, जोड़ लीजिए 1 साल में पर महीना कितना चावल गेहूं आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन बना लेते हैं तो वो 1 साल का जो आपको मिलने लगेगा, लेकिन ये पता नहीं होता बहुत से लोगों को कि ऑफलाइन बनेगा क्या फॉर्म में लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ जमा करना है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये जानकारी उनके पास बहुत के पास नहीं रहती है। इसलिए मैं ऑफलाइन के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं ऑफलाइन तरीका बता देता हूँ ताकि आप पूरी चीज़ इस वीडियो में समझ लेंगे और उसको ऑफलाइन आप फॉलो करके बनवा सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इस वेबसाइट पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिला है यूजफुल इन्फो, ठीक है, यूजफुल इन्फो आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे नीचे 3 नंबर में एक आपको मिल रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे प्राप्ता, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए PDF टोटल 18 पेज के हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए राशन कार्ड में संशोधन, नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना, ठीक है, राशन कार्ड में सुधार कर सकते हैं। कोई चीज़ नाम वगैरह गलत है तो नाम किसी का नहीं है तो नाम जोड़ सकते हैं, अगर नाम किसी का हटाना है तो वो हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर PDF के माध्यम से बता दिया गया, ठीक है। आवेदन पत्र खो, यानी कि खो लगेगा आवेदन, को जो है को लगता है न्यू के लिए, खो लगता है सुधार के लिए, आवेदन पत्र खो, खो फॉर्म कहाँ मिलेगा वो आपको बताएंगे वीडियो में। तो उसके बाद जिसका नाम जोड़ना है या जिसका सुधार करना है तो उसका आधार कार्ड लगाएंगे, ठीक है, जिसका नाम जोड़ना या जिसका नाम सुधार करना है उसका आधार कार्ड लगाएंगे। उसके बाद विभागीय आवेदन खो पत्र या पत्र खो के क्रमांक 8-9 के संबंध में लागू प्रमाणपत्र की 6 प्रति, तो यहाँ पे जो कह रहा है इसके लिए हम फॉर्म पे चलते हैं, जो कि करेक्शन का फॉर्म है, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए खो नंबर है जो कि 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, ठीक है, 7 8 9, ये 3 पेज आपको जो सुधार के लिए है और न्यू मेंबर जोड़ने के लिए 3 फॉर्म, आप 3 फॉर्म प्रिंट कर लेंगे जिसका क्रमांक है 7 8 9, ठीक है,
और इसमें दिया गया है, और ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ, फॉर्म से आपको समझा देता हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। देखिए इसमें कहा गया है फॉर्म के 8 या 9 में, तो फॉर्म के 8 या 9 क्रमांक में हम चलते हैं, तो ये फॉर्म हो गया ठीक है। ये देखिए 8 है और 1 9 है ठीक है, ये संशोधन फॉर्म है। इसमें कह रहा है ये कारण क्या है, ये जो आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप पता बदल लिए दूसरे शहर में रहने लगे तो वो आप लिखेंगे, या जिसका नाम हटाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं या कोई भी चीज़, तो यहाँ पे जिसका नाम हटाना चाहते हैं तो मृत्यु लिख देंगे, और उसके बाद क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गौ में दिया गया। अगर किसी का नाम सुधार करना है तो यहाँ पे लिखना है सुधार करना ठीक है, तो आपको क ख में कुछ नहीं करना, अगर नाम सुधार करना है तो गौ में ये जो है कार्ड से वंचित ब्योरों में अशुद्धियाँ, तो इसमें जो लिख देना है यहाँ पे नाम सुधार करना ठीक है। उसके बाद अनकरण, अगर आपके पास राशन कार्ड अगर है या नहीं, अगर राशन कार्ड खो गया तो यहाँ पे अनकरण लिख सकते हैं खो गया है, अगर है तो उसका जीरोक्स लगा देंगे ठीक है। तो चलिए आपको ये फॉर्म है, तो वो तीसरा आप प्रूफ समझ के क्या लगेगा, मतलब उसी के बाद वो आपको लिखना होगा। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे मैंने, तो वहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना होगा, मतलब कि अपने राशन कार्ड का 6 प्रति दे देना है, ये 3 नंबर में जो बोल रहा है अपने राशन कार्ड का 6 प्रति आपको लगा देना है, और वहाँ पे फॉर्म में फिलअप कर देना है ठीक है। राशन कार्ड अगर है तो लगा देगा, राशन कार्ड नहीं है तो किस तरह डाउनलोड करते हैं उसके बारे में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप पता बदल लिए हैं तो वो नया पता का आवासीय देना होगा, अगर नहीं बदले तो ये जरूरी नहीं है, अगर कोई मर गया उसका नाम हटाना चाहते तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अगर नहीं हटाना चाहते तो नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए ये लागू वही देंगे। उसके बाद राशन कार्ड ध्यान की जाने वाली सरकारी प्रमाण पत्र ठीक है, जिसका नाम सुधार करना है या नाम जोड़ना है, सरकारी कोई एक प्रूफ देना है, विद्यालय का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड ठीक है। तो ये सब प्रूफ लेकर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर नाम सुधार करना है या नाम जोड़ना है तो नोट करते जाइए, मैं आपको बता देता हूँ फिर से अच्छे से आसान तरीके से आसानी भाषा में, कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म लेना है, फॉर्म आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जिस तरह मैंने डाउनलोड किया पीडीएफ को उसी तरह ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, और पीडीएफ में आपको 7 नंबर पेज 8 नंबर पेज 9 नंबर पेज, क्योंकि इस पीडीएफ में टोटल 18 पेज हैं, तो आपको 7 नंबर पेज 8 नंबर पेज 9 नंबर पेज को प्रिंट करना है, जो कि राशन कार्ड सुधार करने के लिए नाम जोड़ने के लिए वो फॉर्म है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या गया, जितना भी आदमी का नाम जोड़ना चाहते हैं या नाम सुधार करना चाहते हैं ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो 3 का नाम जुड़ा हुआ है और वो 3 का नाम भी गलत है और 2 का नाम भी नहीं है, तो 5ों का आपको आधार कार्ड लगा देना है, जो सही नाम वाला आधार कार्ड होगा वो लगा देना है। उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है अपना ये राशन कार्ड का फोटोकॉपी, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो फोटोकॉपी लगा दीजिए, अगर नहीं है तो मैं डाउनलोड करने बता दिया हूँ वीडियो में, वो उसको प्रिंट करके वो भी लगा सकते हैं ठीक है। और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप दे दीजिए, जिस अगर आप निवास में परिवर्तन नहीं भी किए हैं तो फिर भी लगा दीजिए अच्छा रहेगा, ताकि दिक्कत ना हो ठीक है। तो एक राशन कार्ड लगा देंगे, सभी का आधार कार्ड लगा देंगे, और मुखिया का लगा देंगे आवासीय, मुखिया जो लेडीज होती है, और उसका बैंक पासबुक ठीक है। तो आसानी से भाषा हम समझ लिए, एक फॉर्म लेना है, सभी मेंबर का आधार कार्ड लेना है, मुखिया का बैंक पासबुक लेना है, मुखिया का आवासीय लेना है, और राशन कार्ड का फोटोकॉपी लेना है ठीक है। इतना चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में लेना है, और प्लस फोटो 3 फुल फोटो, मेंबर टोटल मेंबर जितने भी मेंबर है सभी मेंबर के साथ फुल फोटो, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि पैर से लेके सर तक पूरा फोटो 3 पीस लेना है आपको ठीक है। उसको प्रिंट करके फोटो को आपको लगा देना है फॉर्म में। ये तो डॉक्यूमेंट की बात होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा मैंने बता दिया, तो और मैं चलिए आप फॉर्म को फिलअप करते वो भी बता देते ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ऊपर में जो न्यू फॉर्म दिया गया न्यू के लिए, मैं करेक्शन के लिए, तो करेक्शन के लिए 7 नंबर फॉर्म में जाएंगे, ये वाला फॉर्म खो में ठीक है। यहाँ पे
पारिवारिक फोटो यहाँ पे फोटो लगा देंगे ठीक है। यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम, आवेदक का नाम है फैमिली का जो लेडीज होगी, मुखिया मुखिया लेडीज होती है, उसका नाम देना है वन में, नंबर टू में उनका आधार नंबर देना है, नंबर तीन में मोबाइल नंबर देना है, और नंबर चार में अगर उनका पति या पिता का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता दे देना होगा, पूरा पता इसके सामने लिख देना होगा, जो भी है उसके सामने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड संख्या लिख देंगे, जो जो आपका राशन कार्ड है जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं, या आपका राशन कार्ड खो गया तो आप जो मैंने वीडियो में बताया डाउनलोड करेंगे उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह राशन कार्ड नंबर भी मिलेगा, वो भी आपको वहाँ पे बिना नंबर का नाम से सर्च करके अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से वहाँ से भी आप नंबर भी निकाल सकते, नंबर नहीं है ठीक है। तो उसके बाद संबंध, ये जो है संबंध वितरण ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मतलब अपने डीलर का नाम, डीलर का नाम देना है ठीक है, और उसका जो मतलब नंबर होता है मतलब लाइसेंस नंबर वो देना है, या आपको अपने डीलर से मांग लेना है उनका नाम उनका लाइसेंस नंबर वो इसके सामने लिख देना है। उसके बाद आठ नंबर में लिखना है क्या करना है, यहाँ पे आपको गौ अगर नाम सुधार करना है तो आपको क्या करना है, नाम सुधार करना है तो ये गौ के आगे आपको लिख देना है, गौ के आगे लिख देना है आपको नाम सुधार करना ठीक है, अगर नाम सुधार करना है तो नाम सुधार करना लिख देंगे, और अन्य कारण अगर आपके पास राशन कार्ड है तो लिख देंगे, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, अगर राशन कार्ड है तो यहाँ पे नाम जोड़ना चाहे तो वो लिख देंगे, नहीं तो राशन कार्ड खो गया है तो वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे खो जाने के कारण। देख लीजिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छे से समझा दूँ, अगर राशन कार्ड में किसी का नाम सुधार करना चाहते हैं तो आपको आठ के, तो आपके आपको आठ के गौ के सामने लिखना है नाम सुधार करना, और उसी राशन कार्ड में अगर नाम जोड़ना भी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि नाम जोड़ना ठीक है, ठीक है, तो आपको लिख देना है अगर नाम सुधार करना नाम जोड़ना तो इसमें लिख देना नाम सुधार करना है और जोड़ना है, अगर राशन कार्ड खो गया तो यहाँ लिख देंगे राशन कार्ड खो गया ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए वो लगा देंगे, और नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते ठीक है। अब ये हो गया पूरी फैमिली का ठीक है, तो नंबर वन यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है इसमें कि नंबर वन देंगे, नंबर वन में फैमिली का जो मुखिया होगा जो लेडीज होगी जिसका नाम ऊपर में दिए उसी का नाम देना होगा, उसके पति या पिता का नाम देना होगा, उसके बाद लिंग देना होगा लिंग स्त्री या पुरुष, उसके बाद यहाँ उनकी उम्र देना होगा जो भी उम्र होगा लेडीज का मुखिया का देना होगा, मुखिया का फर्स्ट पे मुखिया का देना होगा जो कि जिसका नाम ऊपर बढ़े, उसके बाद वैवाहिक स्थिति देना है शादी हो गया या नहीं हुआ या विधवा है जो भी वो यहाँ पे देना है, उसके बाद संबंध में यहाँ दे देना है मुखिया ठीक है, मुखिया दे देना है ओके। उसके बाद नंबर टू में उसका जो बेटा बेटी होगा उसका क्रमांक दो देंगे, उसका नाम उसके पिता का नाम उसका लिंग उसका उम्र उसका वैवाहिक स्थिति शादी हुआ या नहीं हुआ और विवाहित है या विवाहित है और उसका इसके साथ क्या संबंध है, तो अगर बेटा है तो सन है तो बेटा लिख देंगे, अगर डॉटर है तो बेटी लिख देंगे, इस तरह संबंध लिख देंगे, इस तरह जितना भी फैमिली में उतना लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है एक दो तीन ठीक है, तो इस तरह आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए और ये फॉर्म आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, 10 रुपये मार्केट में आपको मिल सकता है ठीक है, तो उसके बाद जिसका नाम ऊपर में एक नंबर में दिए उसका आधार कार्ड इसमें देना होगा ठीक है, जिसका नाम आप ऊपर में एक नंबर में दिए उसका आधार नंबर उसका मोबाइल नंबर वो यहाँ पे करा है व्यवसाय क्या है तो इसमें मजदूरी दे देना, जो मजदूरी करता है मजदूरी दे देना, आमदनी का स्रोत में मजदूरी देना, उसके बाद मासिक आय जो ये पर्सन ये जो मेंबर है मुखिया ये महीना में कितना कमाती है 1,000, 1,500, 2,000 जो भी कमाती हो वो देना होगा ठीक है, उसी जिसका यहाँ पे दो नंबर में जिसका नाम देंगे ऊपर में यहाँ पे दो नंबर में जिसका नाम देंगे फिर उसी का यहाँ पे आधार नंबर देंगे उसका मोबाइल नंबर वो क्या क्या काम करता है उसका आमदनी का स्रोत वो महीना में कितना कमाता है वो देना होगा, इसी तरह जिसका ऊपर में नाम देंगे उसी का इसमें डिटेल देंगे आधार नंबर मोबाइल नंबर ठीक है। ये फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म के आगे आ गया नंबर 10 में, तो यहाँ पे दो एक अगर आप ग्रामीण क्षेत्र आते हो ये बोले फिलअप करना होगा, अगर शहरी क्षेत्र आते हो ये तो ग्रामीण ये टिक मार का लगा लीजिए पढ़ पढ़ के, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र दिया मोटर चालित चार पहिया, क्या आपके पास मोटर चालित या चार पहिया गाड़ी वगैरह
है या नहीं, नहीं है तो नहीं करेंगे, और इस सब में आप नहीं नहीं सब में ना लिखना, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जो आप मासिक आय लिखेंगे तो ये 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो सकता है। और इसमें 10 में आपको सभी में नहीं नहीं लगा देना, पढ़ के अपने हिसाब से, और हम आपको सजेशन देंगे कि सब में नहीं, नो नो सब में नहीं मारना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये खो को खाली छोड़ देना है, शहरी क्षेत्र के लिए या आपके लिए नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऊपर में, शहरी क्षेत्र के लिए नीचे में, क्या अपने हिसाब से ये फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दिनांक दे दीजिए, जिस दिनांक को आप जमा कीजिए वो दिनांक दीजिएगा, स्थान दीजिएगा, स्थान में अपने ब्लॉक का नाम दे दीजिएगा, ब्लॉक कहाँ पे है मतलब ब्लॉक का नाम। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ पे देख रहे हैं मेरा माउस देखिएगा, नाम है, नाम में आवेदक का मुखिया का नाम जो वो नाम देना हो, और उसका सिग्नेचर या अंगूठा यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे एक आपको फिर से दिनांक देना है, और स्थान में अपने प्रखंड का नाम देना है, और यहाँ पे भी उनका नाम दे देना है, ठीक है। ये फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, ये तो फॉर्म तो फिलअप करने बता दिए, डॉक्यूमेंट बता दिए, अब क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर लिए, सभी का डॉक्यूमेंट लगा लिए, और फोटो, तीन फोटो फुल फोटो आप फॉर्म पे लगा देंगे, पिन मार देंगे तीनों फोटो को फॉर्म के साथ। उसके बाद आपको अपने ब्लॉक में जाना है, कहाँ पे जाना है आपको, ब्लॉक में, ब्लॉक में जाएंगे तो आपको ब्लॉक में लिखा होगा एक बड़ा सा अक्षर, एक काउंटर बना होगा, हर ब्लॉक में बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपके ब्लॉक में नहीं है, सभी ब्लॉक में बना हुआ है, तो सही ब्लॉक में बना हुआ है, तो वहां पे जाएंगे, एक काउंटर लिखा होगा, उसमें लिखा होगा RTPS, RTPS लिखा होगा, तो उस काउंटर पे जाएंगे, जहां पे भी आपको ब्लॉक में RTPS लिखा होगा वहां पे देखेंगे कि आवेदन ले रहा होगा, आवेदन लिया जाता है वहां पे, सभी तरह का आवासीय जाति या सभी राशन कार्ड वगैरह सारा चीज का आवेदन वहीं पे लिया जाए, तो वहां पे आपको आवेदन जमा कर देना है। आवेदन जब आप जमा कर देंगे तो वहां पे आपको रसीद दिया जाएगा, रिसिप्ट दिया जाएगा, रिसिप्ट देने के बाद आप उसको घर चलेंगे, फिर आप कुछ दिन बाद उसको आप स्टेटस ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, तो फिर से इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन बना लिए, उसके बाद आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टेट, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना अनुमंडल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका RTPS संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ अंदाज एक नंबर डाला था और नंबर डाल दिया, उसके बाद 100 पे क्लिक कर देंगे, तो ये नंबर मौजूद नहीं है, ये नंबर मैंने, मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने क्या किया कि अंदाज एक नंबर डाला कि ये नंबर हो सकता है, तो मैंने डाला था, वो सक्सेस हुआ था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये नंबर मैंने अंदाज डाल दिया था, तो इसका RTPS संख्या ये है, और इसका अप्लीकेंट का नाम ये है, और इसका स्टेटस दिखा रहा है आवेदक का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा क्या गया है, राशन कार्ड प्रिंटिंग लिया जा सकता है, मतलब इसका आप इसमें स्टेटस दिखा रहा है कि इसका राशन कार्ड बन चुका है, प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हो चुका है, ठीक है, SDO के यहाँ द्वारा हो चुका है, अब जो इसका राशन कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि आपका राशन कार्ड आप प्रिंट हो गया होगा या होने वाला होगा, आपको मिलने वाला होगा, लेकिन इस तरह का आपका स्टेटस दिखाता है, मतलब आपका कन्फर्म हो चुका है, प्रिंटिंग की प्रक्रिया में है, तो आप वेट कर लीजिए या ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए, आपको यह राशन कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ऑफलाइन बना के ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि कन्फ्यूजन आदमी को रह जाती है, नंबर वन नोट करते जाइए, क्योंकि आपको सही से समझाना ही हमारा वीडियो का मेन कर्तव्य होता है, मेन मकसद होता है। लेकिन मैं उन चुतियाओं को कहना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट में उल्टा सीधा ना लिखें, अगर लिख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं गलत कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, इसलिए कमेंट ना करें गलत। अगर आपको कोई दिक्कत आती है वीडियो के बारे में तो वो आप हमें बताएं, लेकिन गाली ताली कमेंट करना ये सही नहीं है, तो वो आपको मैं बता दिया, तो आगे आपकी मर्जी आप क्या करना चाहें। नंबर वन फॉर्म लेना है, फॉर्म आप मार्केट से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा रहेगा मार्केट से ले लीजिए, मार्केट से लेने में क्या फ़ायदा होगा मैं बता देता हूँ, फॉर्म तो सेम रहता है, मतलब होता है कि चेंजिंग फॉर्म में होती रहती है, और ये वेबसाइट पे जो है चेंज
हो भी सकता है, जब नहीं भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में जो आपको मिलेगा वो बराबर चेंज होती मिलेगी, ठीक है। तो मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबर टू, जितने मेंबर का नाम जोड़ना है या नाम सुधार करना है, टोटल का आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना है। नंबर टू, मुखिया का बैंक पासबुक लगाना, जो मुखिया लेडीज है। उसके बाद मुखिया का आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है, चाहे वो आप पता बदले हैं या पता परिवर्तन किए हों या नहीं किए हों, फिर भी आवासीय लगाना है। नंबर फोर, अपना आवासीय के बाद राशन कार्ड का फोटो कॉपी लगाना, अगर राशन कार्ड खो गया है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके वो वाला लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का है। और फोटो ये सब फिलअप करने के बाद, ये सब कंप्लीट करने के बाद, मुखिया को लेडीज को लेकर जाना है ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर, वहां पे जमा कर देना। और मुझे अंदाजा तो लग रहा है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये राशन कार्ड बन जाएगा। वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद बंद होगा। अगर आपका किसी तरह गलत वेरिफिकेशन ठहराता है तो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिएगा, और किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको बना के दे सकूँ, आपको मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा, और इसी तरह प्यार देते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे।